गुरुदेव, व्हाट इज फिजिकल फिजिकल हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ. सो वी विल टॉक हेल्थ? अबाउट वेल्थ एंड हेल्थ बोथ. वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑल आर वेल्थ. हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ. दैट मीन्स यस वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ वेल्थ. ऑल आर अट्रैक्टेड टू वेल्थ एंड नॉट टू मच फॉर हेल्थ. हेल्थ कॉन्शियस आर अराउंड, यू कैन से 30 to 40% पीपल, बट इफ यू टॉक अबाउट वेल्थ, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट वेल्थ. So let us now change the paradigm and talk about wealth. So first we will talk about physical wealth. Physical wealth is that state of your body where you are enjoying your body, pain-free body, disease-free body. And this is called physical health, wealth or wellness. So this is about physical wellness. One more thing I would like to add, ke whenever we talk about physical health, all the problems originates in our mental zone. Mental zone consists of three levels: emotional level, intellectual level, and spiritual level. So these are the three levels at mental state. So basically, attitudes and character or characteristics of a person decides the type of physical wellness. Because knowingly, unknowingly, हम लोग बहुत ऐसा सोचते हैं, ऐसे भावनाएं करते हैं जिसका हमें ख्याल नहीं होता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जो दिखता नहीं है. दिखता कभी है जब हमारे शरीर के ऊपर उसकी असर आने शुरू होती है, तब हमें पता चलता है कि ये अभी हमें इफेक्ट कर रहा है, हमें असर कर रहा है. ये हमारा बदनसीब है कि हमें बहुत बाद में पता चलता है, सब कुछ नुकसान हो जाने के बाद. सिस्टम ऐसी है कि हम अपने स्पिरिचुअल लेवल से हमारी एटीट्यूड्स, वृत्तियां कंटिन्यूअसली बेस्ड ऑन पास्ट मेमोरीज वो आती है, उसी प्रकार हमारा एटीट्यूड और वृत्तियां डेवलप होती है. वो वृत्तियां हमारे विचार में परिवर्तित होती है, वो विचार हमारी भावनाओं में परिवर्तित होता है. विचार और भावना परिवर्तित होने के बाद हमारी ऊर्जाएं उस प्रकार की बनती हैं, एनर्जीज. ऑल अवर एनर्जीज आर डायरेक्टेड बाय स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल डायरेक्शंस. जिस प्रकार की वृत्तियां हैं, उस प्रकार की सोच है, विचार है, उस प्रकार के इमोशंस है, भावनाएं हैं, और फिर उसी प्रकार की ऊर्जा खड़ी होती है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है. अगर वो नेगेटिव और डैमेजिंग है, वृत्तियां, विचार, भावनाएं, तो हमारे शरीर पे वो असर आना शुरू होती है, जिसे हम पेन बोलते हैं, दर्द बोलते हैं, जिसे हम डिजीज बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोग अवस्था. तो हमारा शरीर का आरोग्य इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारा शरीर का आरोग्य, हेल्थ वेल्थ, वो हमारी वृत्ति, विचार और भावना के ऊपर निर्भर होता है. सो दिस इज फिजिकल, ऑल अबाउट फिजिकल वेलनेस, फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ. आई होप आई हैव गिवन a comprehensive answer to your question. Yes, yes, Gurudev, we have given total answer. How yes. physical health is affected, you have given very nice answer. Yes. Gurudev, ek question ye hai,
हमें इतना हम डीप में तो जाते नहीं है डे टू डे लाइफ में, लेकिन जब हमें कुछ पेन होता है सब तब हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ अभी नहीं है बराबर। बराबर है। लेकिन मैं मैं ऐसे आपको नॉर्मल एक बात बता दूं, पेन इज द सिग्नल ऑफ द बॉडी टेलिंग यू कि समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। अच्छा पेन इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये ध्यान में रखना। पेन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रेम इज, पेन इज गिविंग यू अवेयरनेस। जागो भाई, आपके शरीर के अंदर देखो और जहां भी प्रॉब्लम है उसको मिटाओ। अच्छा ये हमें जगाता है, पेन शरीर के अंदर, ये हमारे साइंस के अंदर, बॉडी की साइंस के अंदर, पेन इज अ सिग्नल टू चेक माय बॉडी वेयर इज द ओके प्रॉब्लम एंड ओके लोकलाइज पेन मींस जहां पर जिस क्षेत्र में पेन है तो वो हमें हाँ सूचित करता है कि उस भाग, उस बॉडी के उस भाग के आसपास प्रॉब्लम हाँ का कारण पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ ओके तो ये पेन इज अ सिग्नल, गिविंग अ सिग्नल के भाई इस एरिया में आप जरा रिसर्च कीजिए और जो भी गड़बड़ है उसको ओके कर दीजिए। ओके सो दिस इज द ओके तो साइंस ऑफ पेन। पहले ओके तो पेन इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, पेन इज अ सिग्नल प्रोवाइडर। ओके इट इंडिकेट्स दैट यू समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी Not in your body itself, but in your, I told you, if suppose pain is in your back, lower back, that means your lower back area, you have to research, okay, where is the problem in lower back. Okay. Suppose it is in your shoulder, right shoulder. So you have to see what is wrong in right shoulder. So it gives you a particular area of problem where there is a problem, existence of problem. Okay. And this is the science of anatomy and our body, that it indicates that this is the area to be looked upon and just do the Right. corrective action and start correcting that problem. Okay. Yeah. That is all of this is the meaning of pain. Okay. What we think pain is itself a problem. Pain is never a problem. So it is an indicator. It is an indicator where your wherever the pain comes from, you have to see that area of your body, something is wrong. Wrong. Okay. Yeah. खाने की बात हम कर रहे थे। रात को तीन कटोरे में, एक कटोरे में मेथी दाना पर हेड एक चम्मच, चार दाने बादाम के एक चम्मच, अलसी के दाने भिगो दिए जाए, सुबह उठकर वही पानी पी जाना है, गाल कर और चबा जाना है, आराम से चबाना है, जैसे ध्यान में बैठे हो, लीन होकर आराम से चबाना है, झप 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 करके तो कुटा नहीं, सिलेबस पूरा नहीं करना है, जो भी कार्य है हमारे भारत के अंदर सब आराम से होता है, कोई घाई नहीं है किसी चीज़ की। ये तो सुबह से उठकर धुड़ 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 करने की हमको जो आदत पड़ गई है उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो हम 25 साल ऐसे फेंके जाएंगे ना, जितना धुड़ धुड़ किया सब ये 25 साल ने धो डाला, सारा का सारा धो डालेंगे। कुदरत की जो स्पीड है उससे चलिए आप, कुदरत की स्पीड से ज्यादा फास्ट चलने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको कैसे उधेड़ देगा। अभी देखो ये जो आया है 2 महीने में जो नुकसान हुआ है, हो सकता है 10 साल तक आप उठ ना सको, ऐसा हो सकता है, बता नहीं सकते अभी वो तो आगे अभी क्या होता है। सब प्रभु के ऊपर प्रार्थना कीजिए, सबका हित हो, सबका मंगल हो, ऐसी भावना हम ये अंत में यही करने वाले, तो ऐसी हमें उजागर करना है। फिर ये सुबह की बात हुई, फिर काढ़ा बनाओ, अजवाइन आधी चमची, आधे चमची हल्दी, 3 दाने काली मिरी के, 3 दाने लौंग के, इसको दालचीनी, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दीजिए,
एक ग्लास पानी 100 ml का पानी के अंदर ये सारी चीजें डालें, सेंधा नमक डालें, अदरक के टुकड़े डालें, तुलसी के पत्ते डालें और ये पानी में डालकर इसको उबालें। ये ऐसे इतना उबालना है कि वो पानी आधा हो जाए, उसको गाल कर वो पानी पिया जाए, काढ़ा बन गया। वो पीने के पहले उसके अंदर नींबू नोचो दे, आधा नींबू उसके अंदर नीचो दे, फ्रेश नींबू, और वो पानी पिया जाए। ये काढ़ा हो गया आपका। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में क्या करना है, वेजिटेबल जूस, जो आप वेजिटेबल आपके घर में है उसको ग्राइंड कीजिए अच्छा सा, और उसके अंदर भी अदरक, नींबू, काली मिर्ची का पाउडर डालकर वो जूस जैसे कि तैसे विदाउट फिल्टर जैसे कि तैसे मिक्सर में पूरा एक रस बनाकर पी जाए। लगभग 8-8:30 के बीच में ये सारी प्रक्रिया करके सुबह वो प्रोसेस कर लिया, फिर वो 3 कटोरी वाला, उसके बाद आपकी प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया करने के बाद ये वेजिटेबल जूस ले लो, 1 घंटे के बाद फ्रूट खा लेना। फ्रूट में क्या है, एप्पल है, कलिंगर है, बस सुबह सुबह में ये एप्पल है, कलिंगर है, और कोई फ्रूट नहीं लेना है। हाँ, केला ले सकते हैं। मौसम भी आप फ्रूट में खाना, ये फ्रूट में ले सकते हैं मौसम भी। तो ये हुआ फ्रूट सेशन। फ्रूट सेशन के बाद फूड सेशन। फूड सेशन में 2 सब्जी, ग्रीन सब्जी, भाजी हो तो भाजी, लीफी वेजिटेबल, पालक हो पालक, मेथी पालक वगैरह जो भाजी आती है वो भाजी हो, सलाड हो, सलाड के अंदर अदरक, नींबू और हरी हल्दी वो पाउडर नहीं हल्दी का, हरी हल्दी हो, और बाकी का जो सलाड का आइटम हो वो पत्ते वाली भाजी हो, और 2 सब्जी हो, रोटी हो और दाल हो, बस ये आपका खाना। एंड में छाछ हो, छाछ के अंदर वापस अदरक, पुदीना, धनिया, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, ऐसा वाली पतली छाछ। छाछ यानी पतला होता है, पानी का भाग ज़्यादा होता है, 3/4 पानी होता है, ऐसी वाली छाछ ये डाल कर पी लो एट द एंड ऑफ योर फूड। शाम को 4-5 बजे नींबू का पानी, 1 गिलास पानी, आधा नींबू निचोड़ दो उसके अंदर, छोटा हो तो पूरा नींबू, बड़ा हो तो आधा नींबू उसको अंदर निचोड़ दो, सेंधा नमक डालो, पानी पी जाओ, धीरे धीरे पीना है। ये जो भी पीने का खाने का जो है आपको, जब भी आप लिक्विड पीते हो तो सिप बाय सिप पीना है, एक ढोड़ करके अंदर घुसेड़ नहीं रहना। जितना सिप बाय सिप पियोगे उतने आपकी सिस्टम ज़्यादा रोचक, पाचक और उपकारी बनेगी, सिस्टमेटिक बनेगी। तो खाना भी है चबा चबा के खाना है, और पानी को भी चबा चबा के पीना है सिप बाय सिप, ठीक है। और शाम का खाना 7 बजे कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सिस्टम होनी चाहिए आपकी। और शाम को खाने के पहले वापस फ्रूट लिया जाए 6 बजे, ये नींबू पानी के बाद ये 6 बजे आप फ्रूट ले लें शाम को। अभी आम का मौसम है तो फ्रूट खाइए, आम खाइए, मौत से खाइए, और आम के छिलके को भी खाइए, यस, छिलके के साथ आम खाइए, और अंदर की गुठली है उसको सुखा दीजिए, वो गुठली तोड़कर उसके अंदर का जो गर्भ है उसको भी काट कर सुखाया हुआ उसको हल्दी नमक में डालकर पका कर
उसको खाइए, देखो पूरी आपकी सिस्टम ओके हो जाएगी। और रात को दूध आधा कप दूध, जिसके अंदर सोंठ और हल्दी डालना है आधी आधी चम्मच, और पी जाओ गर्मा गर्म दूध रात को। आपकी ये सिस्टम, खाने पीने की सिस्टम बता दी। नमो जिना हमारा काम हम कितना कर रहे हैं और ये सारे जीव कितना कर रहे हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के जीव। और हाँ, बोलने जाते हैं क्या, ब्रॉडकास्ट करते हैं, टीवी पे एडवर्टाइज देते हैं, हाँ, कि इनको मैंने ये, इनका काम ये किया, उनका काम ये किया, उनका ये किया, इनका ये किया। नहीं ना, एक इंद्रिय के जीव, जब भी आप जाओ, कहीं भी जाओ, पहाड़ पे जाओ, वनस्पति, पहाड़, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, हाँ, जिनके पास भी जाओ, पूछते हैं क्या लाइसेंस है क्या। आप जैन हो, मुसलमान हो, चलो जैन हो तो मैं ये दूँ, मुसलमान हो तो ये दूँ, ऐसा कुछ पूछते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है, ये मुख सेवा है, मौन सेवा बस। तो ये हमें क्या सिखाते हैं, हमारे जैसे बनो। कभी कभी आपके जैसे हम थे, लेकिन हमने भगवान की नहीं सुनी, इसलिए आज हम ये बने हैं। और इसलिए आज हम सब की सेवा में, आप सब की सेवा में हैं, और आपकी सेवा करते करते वापस हम इंसान बनेंगे। इंसान, हम लोग इंसान बने हुए हैं अभी। कैसे बने हैं? We have been traveling through this journey, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय से इंसान बनना, ये एक सफर की है हमने। और वो सफर में हमने बहुत कुछ सफर किया है, वो भूल गए। और अभी के छोटी छोटी सफरिंग हमको याद आती है, छोटे छोटे दर्द हमको याद आते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, फला प्रॉब्लम, ढिकना प्रॉब्लम, पूछना प्रॉब्लम, ये छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स में हम हिल जाते हैं। अरे तू इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के आया है भैया, एक इंद्रिय में तूने क्या क्या किया, दो इंद्रिय में तूने क्या क्या किया, तीन इंद्रिय वाला तू था तब तूने क्या क्या किया, सब जगह तूने सेवा की, सेवा करते करते इंसान बना और निकम्मा बन गया। इंसान बन के किसी के काम नहीं आता है, खुद के भी काम नहीं आता है, दूसरे के काम क्या आएगा, हाँ? बस तो भगवान यही बोलते हैं, सब सभी जीव करूँ प्रेम रसी, सबको मैं प्रेम से भर दूँ, और भगवान के मार्ग की, हाँ, छाया, उनका वाइब्रेशंस, उनके तरंग चारों ओर में फैलाऊं, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, ऐसी एक सामान्य भावना को उत्कृष्ट भावना बनाकर हम स्वयं अपने आप को इंसान से भगवान, वी आर ओनली टू स्टेप्स बिहाइंड बिकमिंग गॉड। भगवान स्वयं बोलते हैं, आप यहाँ आए हो, मेरी वाणी सुनने आए हो, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप बहुत दूर नहीं है मेरे से, यू आर ओनली टू स्टेप्स बिहाइंड मी, एंड इट इज यू हु कैन बिकम लाइक मी, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ जमा क्यों हुए, ये इसी देशना सुनने क्यों बैठे हैं, इतनी दूर से हम क्यों आए हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, लिसन एंड इम्बाइब। हम ये सुनने आए हैं, समझने आए हैं, और अपने जीवन में अभी के अभी डालने आए हैं, घर जाके नहीं करना है, जो करना है अब यही करना है, इसलिए 10 दिन साथ में रहना है, हाँ, जो करना है यही होगा और भगवान की निश्रा में होगा, एंड वी विल बिकम व्हाट, गॉड। दिल से करो, दिल से करो प्रभु, दिल से करो वचन योग से मैत्री भरो, वचन योग से मैत्री भरो।